दोस्तों, अगर आप लोगों ने यानो SBI यानी इंटरनेट बैंकिंग से कोई डेबिट कार्ड ATM कार्ड ऑर्डर किया खुद से या फिर ऑनलाइन SBI में जाके नेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ब्रांच में जाके इशू किया कोई डेबिट कार्ड ATM कार्ड और ऐसे में आपके पास एक मैसेज आ चुका है आपके फ़ोन में और वहाँ पर एक नंबर होता है रेफरेंस नंबर, उस नंबर को आपको कॉपी करके लेना है। वो भी आप जानना चाहते हो आपका डेबिट कार्ड कहाँ पर है, कहाँ पर आया हुआ है, उसका डिटेल्स जानना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, वो रेफरेंस नंबर आपको जो मैसेज पे मिला हुआ है ATM कार्ड इशू होने के बाद, वो नंबर आपको कॉपी कर लेना है। नंबर कॉपी होने के बाद आपको सिंपली क्रोम में चले जाना है, ठीक है, यानी इंडिया स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग ऐसे चार्ज करना है। तो सबसे ऊपर इंडिया पोस्ट का वेबसाइट आपको मिल जाएगा, क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर एंटर कर देना है जो आपको मैसेज पे मिला है। यहाँ पर आपको कुछ कैप्चर फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया 0+, तो मुझे सिंपली क्या करना है, 7 प्रेस कर देना है यहाँ पर और चार्ज पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं चार्ज पे क्लिक करूँगा मेरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा सामने, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डेबिट कार्ड कहाँ पर आया है, कहाँ से कहाँ तक चला गया है, ठीक है, पूरी डिटेल्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो आपका डेबिट कार्ड ATM कार्ड कहाँ पर आया है, कहाँ पर नहीं गया, पूरे डिटेल्स आपको इधर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो गाइस, सभी के लिए बाय बाय।